गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स ITPMT अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माय नेम इज रोहित। टुडे इज माय चैप्टर इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 9, क्लास 11 मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर 9.4, टॉपिक इज स्पेशल सीरीज। स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्पेशल सीरीज के nth टर्म फाइंड करना सीखेंगे एंड सम ऑफ nth टर्म। तो देखिए, सबसे फर्स्ट फार्मूला है नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड करते हैं। फार्मूला नंबर 1, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। देखिए यहां पर एन नेचुरल नंबर्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, गिवेन है। लेट कर लीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 एन, तो इसे हम स्टूडेंट सिग्मा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? सिग्मा एन से। तो सिग्मा एन, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा एन, और यहाँ पर कोई अगर हम अदर्स नेम लेते हैं तो सिग्मा को किस टाइप से लिखते हैं, और करके लिख सकते हैं सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू n तक, एंड दिस इज k। तो k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है, और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा पे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम ap देख रहे हैं, दिस इज अब ap है। तो यहाँ पर सम जो है sn से डिनोट करेंगे, sn इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स एन, तो एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है, तो एन बाई टू, ए का वैल्यू वन है और लास्ट टर्म है एन, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, एन एन प्लस वन बाई टू एस एन इक्वल टू, राइट। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी इसे हम एस एन को, एस एन को सिग्मा एन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई टू होता है, राइट। बट अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डैश 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 20, तो आप देखिए यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 20 नेचुरल नंबर है, तो हम इस पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n n प्लस वन बाई टू, यानी 20 प्लस वन अपॉन टू, टू से कैंसिल करें 10, तो जाएगा 210। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब सेकेंड केस है यहाँ पर, देखिए सेकंड केस है यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, बी केस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैट डैट डैश एन स्क्वायर सम फाइंड करना है, तो इसका सम डिनोट करेंगे एस एन से, और एस एन इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैट डैट डैश एन स्क्वायर, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे स्टूडेंट सिग्मा एन स्क्वायर से। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, तो इसके लिए लिखें, लिखेंगे बिकॉज वी हैव, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एन प्लस वन का होल क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एन प्लस वन का होल क्यू, अगर हमें स्क्वायर फॉर्म का फॉर्मूला प्रूव करना है, फाइंड करना है, तो हमें पावर 3 लेकर चलना है, और अगर पावर 4 का फाइंड आउट करना है तो पावर नेक्स्ट एक जनरेट कर लेते हैं। अगर हमें 4 टर्म का क्यूब का निकालना है तो पावर 4 ले लेंगे, बट अगर स्क्वायर का निकालना है तो पावर 3, यानी एक उससे बड़ी डिग्री करके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एन क्यूब,
plus 3n square plus 3n plus 1. This is a formula of a plus b का whole cube. अब हमें इसमें से वैल्यू निकालनी है n square की, सिग्मा n square, यानी दिस वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम सेम पावर के टर्म को वन साइड कर लेते हैं, ठीक है. 3n square plus 3n plus 1, और देखिए इसमें पुट कर देते हैं n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डैश n, ठीक है. 1 पुट करेंगे तो इट्स अ वैल्यू ऑफ 2 माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1. अब नेक्स्ट 2 पुट करिए यहाँ पर इस सीरीज पर, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है. नेक्स्ट जब हम 3 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1. अब देखिए डैश डैश डैश, ठीक है. 1 से लेकर कितने नंबर पुट करने, n तक. तो n पुट करेंगे तो सेम रहेगा, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1. अब इसे ऐड कर देते हैं, तो देखिए जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो डायगोनली में एन क्यू की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. देखिए डायगोनल कैंसिल हो रहा है, ठीक है. तो अब इसका सम आ जाएगा यहाँ पर एन प्लस 1 का क्यूब माइनस 1. तो देखिए एन प्लस 1 का क्यूब फर्स्ट, और ये बच गया माइनस का 1 का क्यूब. और देखिए इसे ऐड करेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, वर्टिकली ऐड करिए तो 3 कॉमन हो जाएगा, और यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेड डेड एन स्क्वायर, ठीक है. फिर 3 कॉमन हो जाएगा तो प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेड डेड एन, राइट. फिर 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स होंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन टाइम्स, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एन प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, 3, इसे लिख सकते हैं सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 3, इसे लिख सकते हैं सिग्मा एन, ठीक है. और ये 1 को एन टाइम्स ऐड करें तो क्या आ जाएगा, एन 1 एन, ठीक है, 1 एन आ जाएगा. और इसे ट्रांसफ़र कर लें, इसे भी ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा एन स्क्वायर की. इधर ले आते हैं तो n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n माइनस 1, ठीक है, माइनस 3 सिग्मा n इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर. यह हो जाएगा स्टूडेंट n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस कॉमन n प्लस 1 माइनस 3 सिग्मा n की वैल्यू n n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर. यहाँ पर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 एन अपॉन 2 3 सिग्मा एन स्क्वायर. स्टूडेंट देखिए अब टोटल क्या बनेगा, n प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एन माइनस 1 माइनस 3 एन अपॉन 2 इक्वल टू 3 एन स्क्वायर. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 एन स्क्वायर प्लस 4 एन माइनस 3 एन अपॉन 2 इक्वल टू 3, और यहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर 4n में 3n गया n, और यहाँ पर हो गया n प्लस 1, ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 इक्वल टू 3 सिग्मा एन स्क्वायर. अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 है यहाँ पर 2, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 टू जस्ट 6, और n कॉमन ले लेते हैं तो टोटल आंसर क्या बनेगा, n कॉमन n प्लस 1 2 एन प्लस 1 हो जाएगा, फिर अपॉन n कॉमन हो गया 2 एन प्लस 1, 3 डिवाइड कर दीजिए तो 6. दिस इज अ वैल्यू ऑफ सिग्मा n स्क्वायर. तो देखिए सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा एन स्क्वायर प्रूव हो गया एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6. आप जब भी क्वेश्चन पे
tn गिवन होगा, sn फाइंड करेंगे, और जहां पर हमें सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होगी हम वहां पर क्या पुट करने वाले हैं, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। दिस इज अ वैल्यू ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर। कभी कभी स्कूल एग्जाम पे 2 मार्क्स में डेरिवेशन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये प्रूव करने के लिए भी एग्जाम पे आता है स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है सिग्मा एन स्क्वायर के बाद सिग्मा एन क्यू, फिर आता है नेक्स्ट सिग्मा एन पावर 4, बट एनसीईआरटी में सिग्मा एन क्यू तक ही गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं सिग्मा एन क्यू कैसे फाइंड करते हैं। सेम यही मेथड होगा बट एक पावर और ले लेंगे। जब हम इसे यहां पर हमें सिग्मा एन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम यहां पर एन प्लस वन की पावर 4 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट केस है सी केस, थर्ड केस है यहाँ पर सी, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन टर्म्स, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूबिक ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। देखिए यहाँ पर गिवन है 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैट डैट डैश एन का क्यूब, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा एन क्यूब, और इसकी वैल्यू होती है एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब हमें प्रूव करने के लिए भी एग्जाम पे दिया जाता है कि प्रूव दैट सिग्मा एन क्यू इक्वल टू एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। एग्जाम में प्रूफ भी आता है स्टूडेंट, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे वी हैव, देखिए अगर 3 पावर का प्रूफ करना है तो हम 4 पावर लेंगे, एन 1 की पावर 4, इसका फॉर्मूला होता है एन की पावर 4 प्लस 4 एन क्यू प्लस 6 एन स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 1। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी की पावर 4, ठीक है। अब हमें एन की पावर 4 का वैल्यू के यहाँ पर सेम डिग्री के वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा एन क्यू, राइट। पहले हम सेम पावर के टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, एन प्लस 1 पावर 4 माइनस एन पावर 4 4 एन क्यू प्लस 6 एन स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देते हैं एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश एन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 4 इंटू 2 की पावर 3 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट 4 पावर 4 माइनस 3 पावर 4 4 इंटू 3 की पावर 3 6 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 डैश एंड डैश एन प्लस 1 की पावर 4 माइनस एन की पावर 4 4 एन की पावर 3 प्लस 6 एन स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 1। देखिए ऐड कर दीजिए अभी से, देखिए 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल, डायगोनली में 2 गया तो एन जाएगा, अभी आ जाएगा एन प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब हम इसे राइट कर सकते हैं 4 सिग्मा एन क्यू 4 सिग्मा एन क्यू 6 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा एन, और हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा 1 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं, n प्लस 1 की पावर 4, यहाँ पर माइनस 1, 4 सिग्मा n क्यूब प्लस 6, इसकी वैल्यू होती है n n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू होती है n n प्लस 1 बाई 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू n, क्या होगी स्टूडेंट, सिग्मा 1 की वैल्यू n, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, क्लियर। अब ये ट्रांसफ़र कर लीजिए इधर पर, तो 4 सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 की पावर 4, ये वाला n इसके साथ आएगा तो माइनस कॉमन n प्लस 1, ये वाला ट्रांसफ़र करिए इधर पे, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस n n प्लस 1 बाई 2, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा माइनस, इसे इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लेफ्ट, तो n n प्लस 1 टू एन प्लस 1। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, तो सिग्मा एन क्यू का वैल्यू प्रूव हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर, ये आप प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू कैसे प्रूव करते हैं और सिग्मा एन क्यू की वैल्यू। अब आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये डायरेक्टली पुटअप करने हैं, ठीक है। देखिए कैसे आपको क्वेश्चन किस टाइप से दिया जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए रूल नंबर 1 का है, ठीक है, रूल नंबर 1, और उसमें से पहले हम यूज़ करना सीखेंगे कि रूल नंबर 1 कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है। देखिए पहले नोट पॉइंट देख लीजिए, आपने यहाँ पर जो मैंने प्रूव किया है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 एन, इसका वैल्यू होता है सिग्मा एन और इसका वैल्यू लिखते हैं एन एन प्लस 1 बाई 2, क्लियर बच्चों। जब इसी में अगर हम ये 1 2 3 से लेकर इस एन की जगह पर एन माइनस 1 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे एन लास्ट टर्म है या एन माइनस 1, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज एक टर्म लेस हो जाएगा, वन टर्म्स क्या हो जाएगा लेस। सी फॉर्मूला होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेड डेड डेस एन स्क्वायर, इसको लिखेंगे सिग्मा एन स्क्वायर और इसकी वैल्यू है एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6, ये मैंने अभी प्रूव करी थी। अब यहाँ पर भी एक टर्म लेस कर देते हैं, ठीक है, एन के रिप्लेस में क्या हो जाता है एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका वैल्यू पता क्या आ जाएगा एन एन माइनस 1 टू एन माइनस 1 अपॉन 6। देखिए अगर आप n लिखते हैं, अगर n लेते हैं तो दिस फॉर्मूला है, बट n की जगह पे n माइनस 1 करेंगे तो आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए n की जगह पे n माइनस 1 से, ठीक है। e केस है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैड डैड डैश n का क्यूब, आंसर इज n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसमें भी अगर हम वन टर्म लेस कर देते हैं यहाँ पर n माइनस 1 का क्यू, नोट पॉइंट है देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब आपको एग्जांपल इस टाइप से दे दिया जाता है कभी कभी कि 1 का क्यू 2 का क्यू प्लस डैश 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 20 का क्यू फाइंड करिए, तो आप क्या करने वाले हैं, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और वहाँ n की जगह क्या पुट कर लेंगे 20। तो देखिए हमारे पास वैल्यू में n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 है, इस पे n की वैल्यू कितना पुट कर दें 20, तो आंसर क्या आएगा 20 का स्क्वायर 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको स्पेशल सीरीज में अप्लाई करने हैं, और स्पेशल सीरीज जो है वो वर्किंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, कभी कभी देखिए ये तो सिग्मा एन पर है,
सिग्मा वन की वैल्यू कितनी आएगी? वन, सिग्मा वन का मीनिंग है वन को हम एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सिग्मा वन का वैल्यू क्या होगा? एन। सिग्मा टू का वैल्यू क्या होगा? टू एन, यानी हम टू को एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सिग्मा थ्री का वैल्यू 3n, सिग्मा 10 का वैल्यू 10n, राइट? ठीक है, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सिग्मा समेशन मींस 1 टू n तक सम यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 1, ठीक है? ये नोटेड पॉइंट है, आपको इसे आना चाहिए स्पेशल सीरीज करने के लिए। देखिए रूल नंबर 1 है, ठीक है, और रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और रूल नंबर 1 जो है आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको सिर्फ समझने होंगे, क्योंकि जो स्पेशल सीरीज है वो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पे ब्रेक करके ही आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले व्हेन nth टर्म, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है, यानी इस टाइप से लेट कर लेते हैं कि जो nth टर्म है, यानी लेट tn जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म पर है इस टाइप से। देखिए an प्लस b फॉर्म, ठीक है, या टी एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, या टी एन इक्वल टू ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, या टी एन इक्वल टू है ए एन पावर फोर प्लस बी एन क्यूब प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन प्लस ई, ठीक है, यानी व्हेन nth टर्म इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल यानी देखिए ना, ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ। तो अगर nth टर्म अगर आपको पॉलिनोमियल फॉर्म पे है, तो जब व्हेन यू फाइंड, ठीक है, व्हेन वी फाइंड सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth terms, then we will use, ठीक है, सिग्मा। क्या यूज करेंगे? सिग्मा। when we find sum of n terms, then we use सिग्मा। देखिए किस टाइप से सिग्मा यूज करेंगे। एग्जाम्पल है कि इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, tn इक्वल टू है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, देन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 1, ठीक है। देखिए आप देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर सम यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे? सिग्मा। तो देखिए टी एन गिवेन है, nth टर्म गिवेन है सीक्वेंस का, ठीक है, अब यहाँ यूज करना है हमें sn फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला क्या फाइंड करना है? सिग्मा। आप यहाँ पर कोई नंबर और लगा लीजिए, 2 भी लगा लीजिए। तो देखिए sn फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर यूज होगा सिग्मा एन प्लस सिग्मा वन। देखिए लिखा हुआ है, अगर हमारे पास nth टर्म पॉलिनोमियल फॉर्म पे है, तो when we find सम ऑफ n टर्म्स, देन वी विल बी यूज सिग्मा। तो देखिए हमने सिग्मा अप्लाई किया है, और सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस टू, और इसका वैल्यू होता है एन एन प्लस वन बाई टू।
प्लस सिग्मा वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एन, टू से टू कैंसिल, एन कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, एन क्या हो जाएगा कॉमन, एन कॉमन कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए बाकी को, तो जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस थ्री एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एन कॉमन हो गया, एन प्लस वन, ठीक है, और प्लस वन, अगर हम सिक्स एलसीएम भी ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिक्स एन प्लस सिक्स, और यहाँ आ जाएगा सिक्स, ठीक है, सिक्स एलसीएम हो जाएगा सिक्स एन प्लस सिक्स और सिक्स, तो ये टोटल हो जाएगा एन बाई सिक्स, टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन थर्टीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर करिए तो हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, नो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो आंसर आप इसी फॉर्म पे लेफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर फॉर्म पे लिखते हैं, क्योंकि आंसर इज अ आंसर जो आप रिटर्न करेंगे वो किस फॉर्म पे लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म पे। लेकिन यहाँ पर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, थ्री थर्टीन इंटू टू ट्वेंटी सिक्स नाइन बनाना है, तो फैक्टर फॉर्म पे ये इतना ही लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अदर्स एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हम रूल नंबर वन को कैसे यूज करते हैं, तो देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर वन गिवेन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन दिया गया, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू फाइव अप टू एन टर्म्स। देखिए सबसे फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, सीरीज का nth टर्म, सबसे पहले क्या स्टूडेंट फाइंड करेंगे, सीरीज का nth टर्म, nth टर्म पता होगा अगर ये पॉलिनोमियल में होगी तो हम tn sn फाइंड करने के लिए सिग्मा अप्लाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले nth टर्म फाइंड करेंगे, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम सीरीज में देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म पर लिखी गई है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं राइट करके, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डैट डैट डैस एन इंटू मल्टीप्लाई विथ टू, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म है सीरीज के, ऑल टर्म फर्स्ट है, और नेक्स्ट वाले में टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डैट डैट डैस एन, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसे बोलते हैं कि सीरीज को सेपरेट करना, इस रूल को क्या कहते हैं, सेपरेट फॉर्म ऑफ द सीरीज। देखिए अगर इस टाइप से सीरीज मल्टीप्लाई फॉर्म पे लिखी तो इसमें इसका मीनिंग होता है कि फर्स्ट टर्म यहाँ लिखेंगे, ऑल टर्म के ऑल सीरीज का फर्स्ट टर्म हियर, सेकंड टर्म हियर, और अगर यहाँ पर वन टू थ्री मतलब थ्री थ्री टर्म्स होते तो फर्स्ट टर्म सेपरेट, सेकंड टर्म सीरीज सेपरेट, एंड थर्ड सीरीज को भी सेपरेट कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं पहले आप सेपरेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट के ब्रेन पे आता सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इक्वल, आपस में ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, तो देखिए ये इक्वल नहीं है रियल में, लेकिन जब हम इसमें tn निकालेंगे और सम निकालेंगे तो करेक्ट होगा, लेकिन अभी ये सेपरेट फॉर्म रॉन्ग पोजीशन पे दिखती है आप लोगों को, लेकिन इसका मीनिंग होता है कि हम सिर्फ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड का सेकेंड से हो रहा है, थर्ड का थर्ड से हो रहा है, फोर्थ का फोर्थ से हो रहा है, फिफ्थ का फिफ्थ से हो रहा है, बट फर्स्ट का सेकेंड से नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट फॉर्म लिखने पे। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट देखिए वन का टू ये लिखा हुआ है, बट वन का थ्री नहीं है, वन का फोर नहीं है, ये सारे टर्म्स काउंट नहीं हो रहे हैं, बट मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन हमें उन्हें लेफ्ट कर देना होगा, तो इसलिए इसमें सेपरेट फॉर्म आ जाती है सीरीज की, सेपरेट मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके लिया गया है, बाकी फर्स्ट के जो अदर्स नंबर हैं वो लेफ्ट कर दिए गए हैं सीरीज से, वो हमें काउंट नहीं करने होते हैं। अभी देखना आप चेक करते हैं, देखिए इसका एन टर्म अगर आप निकालेंगे तो ए पी है, ए बी ए पी है, देखिए ए बी ए पी है, और दिस सीरीज ऑल्सो ए पी, ठीक है,
अब एपी में फॉर्मूला लगाइए एन प्लस वन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज़ करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यूज़ करना है, यहीं पर भी सेम, दोनों जगह पे यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर ए का वैल्यू वन, एन माइनस वन डी भी वन, यहाँ पर ए का वैल्यू वन टू है, एन माइनस वन डी का वैल्यू वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी एन और ये आ जाएगी एन प्लस वन। तो टी एन देखिए कितना आ गया, एन स्क्वायर प्लस एन, चेक करिए आप देखना एकदम राइट आएगा, देखिए दिस इज अ करेक्ट, देखिए चेक करते हैं, ज़रा वन डालिए टी वन पे क्या आ रहा है, वन प्लस वन टू, ज़रा ये देखिए टू वन जा टू, ठीक है टू पुट करिए, टू का स्क्वायर प्लस टू फोर एन सिक्स, देखिए टू थ्री जा सिक्स आ रहा है, करेक्ट हो रही है ना, थ्री डालिए थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री नाइन थ्री ट्वेल्व, ये देखिए थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, इट मीन्स देखिए इट मीन्स एनर टर्म सीरीज का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकरेक्ट हो रही है, तो इसीलिए इसे हम लोग सिर्फ ओनली सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के टर्म काउंट करते हैं, अदर्स टर्म को लेफ्ट कर देते हैं। तो देखिए टी एन आ गया पॉलिनोमियल फॉर्म पे, अब हमें एस एन फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल टू क्या करेंगे, सिग्मा अप्लाई कर देंगे, ठीक है इसकी वैल्यू होती है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, सिग्मा एन की वैल्यू एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है कॉमन ले लीजिए एन एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो टू एन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है थ्री एलसीएम हो जाएगा, तो टू एन प्लस वन प्लस थ्री टू एन प्लस फोर, तो यहाँ से टू और कॉमन ले लीजिए टू एन प्लस फोर, तो एन प्लस टू अपॉन टू इंटू थ्री, टू से टू कैंसिल, दिस इज अब आंसर, ठीक है अब आंसर भी सही आएगा, ठीक है देखिए वन पुट कर लीजिए एस वन आ जाएगा, टू पुट कर लीजिए एस टू आ जाएगा, थ्री पुट कर लीजिए एस थ्री आ जाएगा, ये आंसर भी वहाँ के आंसर की तरीके से करेक्ट आएगा, जैसे टी एन करेक्ट आ रहा है वैसे एस एन भी करेक्ट आएगा। टू पुट करके देख लीजिए कितना आना चाहिए, थ्री टू जा सिक्स टू एट, एस टू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ से, देखिए थ्री टू जा सिक्स टू एट, एस टू की वैल्यू एट है ना, यहाँ देखिए टू पुट करिए टू थ्री से थ्री कैंसिल, टू टू जा फोर फोर टू जा एट, करेक्ट ठीक है क्लियर हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है सेम क्वेश्चन नंबर टू है उसमें थ्री टर्म्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे थ्री ब्रैकेट्स बनेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू में कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, वन टू थ्री, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू पे थ्री थ्री टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर टू पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू पे है वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अप टू एन टर्म्स, सेम है जैसा लास्ट क्वेश्चन था सेम, उसमें टू टर्म्स थे, इसमें कितने टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं, ठीक है तो देखिए यहाँ पर एनेट टर्म फाइंड करेंगे, विदाउट एनेट टर्म हम सम नहीं फाइंड कर सकते हैं, एनेट टर्म टी एन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैड डैड डैस एन, सेकेंड सीरीज क्या होगी टू से स्टार्ट हो रही है टू प्लस थ्री प्लस फोर डैड डैड डैस एन, थर्ड सीरीज क्या शुरू हो रही है थ्री से, तो थ्री प्लस फोर प्लस डैड डैड डैस एन, अगर हम यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप्लाई कर दें तो इससे आएगा एन आ जाएगा, इस वाले पे आएगा एन प्लस वन, नेक्स्ट वाले पे आएगा एन प्लस टू, ठीक है अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन स्क्वायर प्लस टू एन थ्री एन प्लस टू एंड देन मल्टीप्लाई विद एन का क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन, राइट अब जरा वन पुट करिए वन प्लस थ्री प्लस टू सिक्स, देखिए थ्री टू सिक्स, चेक कर लीजिए ऑलवेज करेक्ट होगा, वन पुट करिए वन प्लस थ्री प्लस टू कितना आया सिक्स, टू पुट करते हैं एट प्लस टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस फोर ट्वेंटी फोर, जरा ऊपर देखिए टी वन सिक्स है
T2 कितना है? 24। देखे ना, 4 3 12 × 2, करेक्ट है ना। यानी अब यहाँ पर भी Tn क्या आ गया? पॉलिनोमियल। Sn कैसे फाइंड होगा? सिग्मा से। तो Sn फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे? सिग्मा एन का क्यूब प्लस 3 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एन। वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एन क्यू की वैल्यू एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 n n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस 2 n n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आया? एन एन प्लस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा एन एन प्लस वन अपॉन 4 प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। एन एन प्लस वन 4 एलसीएम ले लीजिए, तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 4 n प्लस 2 2 आएगा प्लस 4, ठीक है। तो एन एन प्लस 1 अपॉन 4, और ये वैल्यू बनेगी एन स्क्वायर प्लस 5 n 4 to 6। तो ये वैल्यू फैक्टर हो जाएंगे एन एन प्लस 1, इसे लिख सकते हैं एन प्लस 2 और एन प्लस 3 अपॉन 4, सम आ गया दिस वन, ठीक है। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर फिफ्थ बताते हैं, ठीक है। अच्छा, 8th और 10th भी इसी फॉर्म से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। सीरीज गिवन है 3 × 1² + 4 × 5 × 2² + 7 × 3² + 10 n टर्म्स। तो देखिए, इसे भी सेपरेट करेंगे आप। फर्स्ट क्या करते हैं, हम सीरीज को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो nth टर्म फाइंड करना होगा। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए tn इक्वल टू फर्स्ट में क्या आएगा, 3 5 7 दिस द फर्स्ट। सेकंड पे आएगा 1² 2² ठीक है, या आएगा n स्क्वायर। तो देखिए, इस पर हम लोग ap अप्लाई करें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर बनेगा a का वैल्यू 3 + n - 1, d कॉमन डिफरेंस 2, और इसका जो nth टर्म होगा 1² 2² 3² का, तो इसका nth टर्म क्या होगा, n स्क्वायर। tn हो जाएगा 2n - 2, तो 2n + 1 n स्क्वायर। इट मीन्स क्या बनेगा, 2n की पावर 3 + n²। तो sn क्या फाइंड हो जाएगा, चेक कर सकते हैं 1 पुट करके। देखिए, 1 पुट करते t1 पे, तो 2 + 1 3, देखिए 3, 2 पुट करिए, 2 का 3 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 20, देख लीजिए 5 × 4 = 20, एन एटम सही होते हैं। क्या मिस्टेक है ब्रेन के अंदर, ब्रेन पे यही मिस्टेक है कि हम a इंटू बी और b इंटू सी को सेपरेट फॉर्म पे कैसे कर सकते हैं ना। तो सेपरेट फॉर्म यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई है, सेकंड का सेकंड से है, थर्ड का थर्ड से है, बट फर्स्ट का किसी और से नहीं है, केवल फर्स्ट से है, ठीक है। अब आते हैं Sn, क्या यूज करेंगे, सिग्मा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 अपॉन 6, कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4th स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4th नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि रूल नेक्स्ट है, रूल पढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4th नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए क्या है, लिखा है 5² + 6² + 7² + 20² लिखा हुआ, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 20 स्क्वायर है, हम इसी में क्या करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, एक सीरीज जो है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। और माइनस प्लस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया। अब ये जो वैल्यू है वो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं और एन की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक पुट कर देते हैं, ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ पर एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6, ये वैल्यू हो जाएगी 30, और यहाँ एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा एन का वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। आप चाहे आप इसमें से ये हटा दें यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर और एन की वैल्यू कितना पुट कर दें 20, तो ये हो जाएगा 20 21 20 प्लस 2 यानी 22 40 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 30, 3 से कैंसिल कर देते हैं 2, 3 से 7, 2 से इसे कैंसिल करते हैं 10, तो 10 × 7 × 41 − 30, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट इजी वाले क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो सिर्फ रूल नंबर 1 पे है, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, रूल नंबर 2 और 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 3 × 8 6 × 11, 3 × 8 + 6 × 11 + 11 × 9 × 14 प्लस डेट डेट डेस एन टर्म्स, ठीक है, सब निकालना है। अगर ये TN निकालते समय हम ये देखते हैं कि पहले हम इसे सेपरेट फॉर्म पे बदलते हैं, सेपरेट फॉर्म मतलब सिंगल टर्म पे, तो इसका nth टर्म होगा TN 3 + 6 + 9 + up to ……n टर्म। सेकेंड सीरीज में क्या होगा, 8 + 11 + 14 + …n टर्म्स, तो यहाँ स्टूडेंट क्या आ जाएगा, AP है, AP का फॉर्मूला लगा देते हैं a + n − 1 × d, वो भी AP है, तो वहाँ पर भी a + n − 1 × d अप्लाई कर देते हैं, तो a का वैल्यू 3 + n − 1 × d का वैल्यू 3, यहाँ पर a का वैल्यू 8 + n − 1 × d का वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3n आ जाएगा, इस वाले में 3n − 3 तो 3n + 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 9n² + 3n, 9n² + 15n, tn आ गया, 1 पुट करके देख लीजिए, 9 और 15 24 24, 2 पुट करके देख लीजिए, 2 × 4 36 और 30 66 66, करेक्ट है। अब tn आ गया, इसे फाइंड कर सकते हैं, 9 σn² + 15 σn, वैल्यू क्या हो जाएगी, n + 1 2n + 1 upon 6 + 15 nn + 1/2। स्टूडेंट आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि इसकी आंसर कभी भी आप लेफ्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट फॉर्म पे, फैक्टर फॉर्म पे लेफ्ट कर सकते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल 3 से 2 कैंसिल, nn + 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 3 × 6n + 3, और यहाँ पर 15 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, nn + 1/2 और 6n + 18, 6 और कॉमन हो जाएगा, तो n + 1 6 कॉमन, n + 3
अपॉन टू, टू से ये थ्री कैंसिल, तो आंसर आएगा थ्री एन एन प्लस वन एन प्लस थ्री, राइट। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट के मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, रूल नंबर टू हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करने वाले हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट और टेन इसी रूल नंबर वन पे काउंट होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो रूल नंबर वन पे काउंट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म एन स्क्वायर है बट टू की पावर एन है, तो उसे रूल नंबर फर्स्ट में वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, वो जो टू की पावर एन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए उसे हम किसी रूल पे बता देंगे। आपको क्वेश्चन नंबर एट करना है, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर एट करना है अगर, तो यहाँ लिया हुआ है टी एन गिवेन है और टी एन पे लिखा हुआ है एन एन प्लस वन एन प्लस फोर, ठीक है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एन स्क्वायर, पहले इनका करिए एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस फोर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यूब प्लस फाइव एन स्क्वायर प्लस फोर एन, टी एन हो गया। एस एन में क्या अप्लाई करेंगे, सिग्मा एन क्यूब प्लस फाइव सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर सिग्मा एन, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टेन में क्या गिवेन है, देखिए टी एन गिवेन है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो tn को हम लिखेंगे 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4n प्लस वन, sn क्या अप्लाई होगा 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा वन, वैल्यू पुट कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट, दिस इज द रूल नंबर वन। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे रूल नंबर टू पढ़ेंगे और रूल नंबर थ्री, डिफरेंस मेथड है इसमें स्टूडेंट, डिफरेंस मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूलिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, तब के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताऊंगा कि डिफरेंस मेथड क्या है और इसके आगे के टॉपिक क्या हैं, ठीक है।